उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले जहांगीरपुर और आसपास के कई गांव के ग्रामीण भक्त करीब 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हाथों में कावड़ लेकर महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले जहांगीरपुर और आसपास के कई गांव में रहने वाले करीब 1500 से ज्यादा स्थानीय ग्रामीण बाबा महाकाल की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए और पैदल हाथों में कावड़ लेकर चल पड़े और करीब 40 किलोमीटर से दूर पैदल चलकर बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शीश नवाया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किया गया और की कावड़ यात्रा कहाँ शुरू हुई थी, क्या रहा? कावड़ यात्रा ग्राम जहांगीरपुर से शुरू हुई, इसमें रास्ते में करणपुरा झुमकी पंचायत में पाटियाघिड़ी इंगोरिया। करीब कितने शिव भक्त हैं इस कावड़ यात्रा में, कितने भक्त होंगे? यात्रा में करीब 1500-1700 भक्त हैं। अच्छा, सभी पैदल वहाँ से करीब 40 किलोमीटर की यात्रा है, भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे। कितने गांव के भक्त होंगे इसमें? करीब जहांगीरपुर, करणपुरा, पाटियाघिड़ी दो तीन गाँव के है, बाकी करीब 90% लोग जहांगीरपुर के हैं। किलोमीटर है, क्या है ये कावड़ यात्रा? जहांगीरपुर के मंदिर ढोलकेश्वर और महाकालेश्वर से होके हुए या महाकाल आई और यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है जहांगीरपुर। किस प्रकार से, करीब कितने वर्षों से यात्रा चल रही है और क्या मानते हैं? लगातार हमारा तीसरा वर्ष है और हर साल आती है, केवल कोरोना काल में हम नहीं आए थे, बाकी सतत चल रही है। कहाँ से आ रही है, कितने किलोमीटर की कावड़ यात्रा है? करीब 40 किलोमीटर की कावड़ यात्रा है, जहांगीरपुर, निर्मोही अखाड़ा, ढोलकेश्वर, देहरादून मंदिर से प्रणाम हुई, चालू हुई है वहाँ से, करीब 1500 इसमें बहुत जगह चल रही है। गुरु जी, किस प्रकार से शिव जी की पूजा करने के से फल की इच्छाएं प्राप्त होती हैं और किस प्रकार से क्या मानते हैं? मनोकामना जो है वो महाकाल से मनोकामना पूर्ण करते हैं, श्रद्धा से जल चढ़ाने कावड़ चलती है। कितने वर्षों से आपकी कावड़ यात्रा निकल रही है? दूसरी कावड़ यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।